एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादा डिश में आप सबका स्वागत है। और इस विंटर सीजन में सबसे फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं और इसी फ्रेश वेजिटेबल से आज हम लोग एक हेल्दी सूप बनाएंगे। आज हम बनाएंगे टोमेटो कैरेट सूप। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि मेरे जितने भी रेसिपीज आए, जितने भी वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। टोमेटो कैरेट सूप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया है, पील कर लिया है और अभी इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। विंटर सीजन में ये लाल वाले गाजर मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है जब हम इसे सूप बनाते हैं। उसके बाद हमें लेना है मूली, एकदम थोड़ा सा मूली इसमें ऐड करना है, नहीं तो सूप कड़वा हो जाएगा। मीडियम साइज का मूली लिया है, उसका हाफ मैंने यहाँ पे लिया है। इसे भी मैंने धो लिया है, पील कर लिया है और हमें इसे भी रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद लिया है प्याज, 2 प्याज लिया है मीडियम साइज का, इसे भी चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है टमाटर, मैंने यहाँ पे 4 टमाटर बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने धो लिया है, इसे भी मैं कट कर लूंगी। हमें यहाँ पे देसी वाले टमाटर नहीं लेना है, नहीं तो सूप जो है खट्टा हो जाएगा, फ्लेवर्स को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा। टमाटर के साथ जब हम गाजर को ऐड करते हैं, गाजर बहुत ही अच्छा थिकनेस देता है सूप को और हमें थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर को इसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे ये एक बहुत ही हेल्दी सूप है। इसके बाद हमें लेना है बीट रूट, मैंने 2 बीट रूट लिया है, इसे भी हमें चॉप कर लेना है। वेजिटेबल्स को कट करके तैयार कर लिया है, अभी बारी आता है इसे पकाने का। इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो प्रेशर कुकर में मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच घी, आप चाहे तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता, मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, 1/2 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 9 से 10 लहसुन की कलियां और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को, सारी चीजों को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, लगभग 2 मिनट के लिए। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज जो हमने काट के रखा था, इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, ज्यादा नहीं भुनना है, बस 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भुनना है। उसके बाद ऐड करेंगे चॉप्ड वेजिटेबल्स जो हमने काट के रेडी करके रखा था। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर स्टेम्स, इससे सूप में काफी अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी और अभी इसे हमें पकाना है लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि सारे वेजिटेबल्स जो है सॉफ्ट ना हो जाए। उससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुक भी करना है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं पकाना है। और विंटर्स में जो भी वेजिटेबल्स आते हैं बहुत ही फ्रेश रहते हैं और बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। और इस टाइम पे मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, बाद में जब हम इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड करेंगे उसी टाइम पे हमें इसमें नमक ऐड करना है। वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें उतना ही ऐड करना है जितना हम लोग का वेजिटेबल्स है, उसे ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है। अभी इसे कवर करके 3 से 4 व्हिसल आने तक हमें इसे कुक करना है। इस सूप में ना ही हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और ना ही फूड कलर का। इसमें मैंने कलर के लिए बीट रूट का इस्तेमाल किया है जिससे सूप में बहुत अच्छा कलर आता है, गाजर और टमाटर से भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसमें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस हेल्दी सूप को हम डेली घर पे बना के पी सकते हैं। इस सूप में आप कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कद्दू सूप में अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे सूप में थोड़ा सा मिठास भी आ जाए। 4 से 5 व्हिसल आने के बाद फ्लेम को हमें बंद कर लेना है और हमें प्रेशर कुकर को ऐसे ही रखना है, इसके प्रेशर को हमें खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना है। उसके अंदर में जो भाप है उसी से ही वेजिटेबल्स अच्छे से पकेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे आप बर्तन में भी बॉईल कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। ये सूप बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका और रिच एंड क्रीमी टेक्सचर है इसका। हम रेस्टोरेंट में जो सूप ऑर्डर करते हैं, जो सूप पीते हैं, उससे कई ज्यादा टेस्टी ये लगता है। ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही आर्टिफिशियल कलर है, तो ये काफी हेल्दी सूप है जिसको आप डेली बना करके घर पे आप पी सकते हैं। 4 व्हिसल हो चुके हैं, अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और प्रेशर कुकर को ऐसे ही रखूंगी। जब इसका प्रेशर पूरी तरह से चला जाए उसके बाद मैं इसे खोलूंगी। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें मैंने जो तेज पत्ता को ऐड किया था इसे मैं निकाल लूंगी और इसे मैं पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं इसे ब्लेंडर में ट्रांसफर करूंगी और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। वेजिटेबल्स पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अभी मैंने ब्लेंडर के जार में इसे ट्रांसफर कर लिया है और इसे पीस के मैं एक फाइन पेस्ट तैयार करूंगी। ब्लेंड करते टाइम हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। इसमें जितना पानी ब्लेंड करने के लिए चाहिए उतना इसमें है और मैंने ब्लेंड करके तैयार कर लिया है। पेस्ट हम लोग का तैयार है, अभी सबसे पहले मैं इसे छान लूंगी
क्योंकि इसमें कभी कभी टमाटर के बीज भी रह जाते हैं, उसके जो छिलके होते हैं वो भी रह जाते हैं, इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सूप के लिए बहुत ही स्मूथ बैटर का ज़रूरत है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट का ज़रूरत है। अब देख सकते हैं काफ़ी थिक पेस्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम रेड कलर है ये। छानने के बाद भी, इसे स्ट्रेन करने के बाद भी टमाटर का ये प्यूरे जो बन के तैयार हुआ है वो काफ़ी थिक है, और इसे थोड़ा सा हमें पतला करना है, थिन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए सूप के लिए, आप उसी के हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिए। इस टाइम पे हमें फ्लेम को ऑन कर लेना है, फ्लेम को हमें लो में रखना है। सबसे पहले जितने भी स्पाइसेस है हमें इसमें ऐड करना है, उसे पहले ऐड कर लेंगे। और सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए, उसे कम करने के लिए चीनी 1 छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किया है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को हमें मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट के लिए हमें फिर से कुक करना है, यानी कि जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक इसे हमें कुक करना है। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है, यानी कि हम लोग का सूप बन के तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना रिच एंड क्रीमी है, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि कितना साइनी दिख रहा है ये, और ये काफी थिक है। ना ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, ना ही फूड कलर का। बहुत ही बढ़िया सूप बन के तैयार हो चुका है। इसे गार्निश किया है फ्रेश क्रीम के साथ और कोरिएंडर लीव्स के साथ। गर्मा गर्म सूप को सर्व कीजिए। आप इसे ब्रेड क्रूटॉन्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगा है तो घर पर आप इसे जरूर ट्राई करें। डू शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रेसिपी।